कोर्ट में क्या होना है? 313 का बयान सीआरपीसी के तहत दर्ज किया जाएगा, उसी के लिए आज उनको कोर्ट में बुलाया गया है, आए हैं तो बयान होगा 11 बजे से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए अर्जी दी गई? नहीं, ये 313 जो होता है का जो बयान होता है उसमें कोर्ट और अभियुक्त के बीच में डायरेक्टली होता है, इसमें किसी दूसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंडेटरी है और उसमें आना ही पड़ेगा। कुल कितने का मामला है सर? ये है 139 करोड़ का है, पर बाकी जो केस में जो भी डिस्पोजल हुआ है उसका टेन्योर बहुत छोटा था, किसी का 6 महीने का था, किसी का 1 साल का था, ये 90 से लेके 95-96 तक का है, 5 साल का मामला है, और एवरेज अगर ईयर वाइज देखा जाएगा तो करीब करीब 27-28 करोड़ के लगभग जो है पर एनम एक्स्ट्रा पैसा निकला है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत मेडिकल चेकअप भी हुआ है, अभी कैसी तबीयत चल रही है? तो डॉक्टर साहब ही बेटर बताएंगे, क्योंकि हम तो वकील हैं, केस के बारे में ही बता सकते हो, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। ठीक सर, कुल कितने एक्यूज्ड हैं मामले? इसमें टोटल जब चार्जशीट आया था 2002 में तो उसमें 180 अभियुक्तों का पर चार्जशीट आया था, पर 20 साल गुजर जाने के बाद जो है अब 111 अभियुक्त बचे हुए हैं। जी, अब कब तक फैसला आने की उम्मीद है? क्योंकि अब तो ये अब तेजी नहीं तो चल रही थी, और सभी करीब करीब सभी अभियुक्तों का 313 का बयान हो चुका है, 1-2 को बचे होंगे, उसके बाद डिफेंस में जाएगा, जिन अभियुक्त को जो अपने डिफेंस में देना है उसके बाद आर्गुमेंट के बाद फैसला, तो करीब 2-2.5 महीना और लगेगा मैक्सिमम।